हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास टेंथ के पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की कायिक, व्यावहारिक एवं क्रियात्मक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्न अंतर है। फर्स्ट है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया बिना सोचे समझे बड़ी तीव्रता से स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के हाथ में आलपिन चुभा दी गई, उसने हाथ झटके से तुरंत हटा लिया, इस कार्य में कौन सी घटना घटित हुई? यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया की घटना घटित हुई। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन का ऑक्सिन हार्मोन पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन हार्मोन पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथ का नाम बताइए। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में डायनसिफेलान नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, ऐसे ही सभी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।